All right, so let's read the next topic. The next topic is the eye, हमारी आँख. The eyes are like two tiny cameras. Eyes जो हैं दो कैमरा की तरह काम करती है हमारे ब्रेन के अंदर. They send a steady stream of picture back to the brain. ये हमारे ब्रेन को हमारी यहाँ की पिक्चर्स भेजती है जो हम देखते हैं. हमारी आँख जो चीज़ देखती है वो पिक्चर क्लिक करके पीछे रेटिना को देती है और फिर ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू पिक्चर जो है हमारे ब्रेन पे जाती है. तब जाके हमारे ब्रेन को पता चलता है कि सामने क्या है. दैट मीन्स आवर बॉडी वर्क इवन फास्टर देन मशीन. There are special cells in the eye which help you to see colors. हमारी आईज में स्पेशल सेल्स होते हैं जिसके थ्रू हम कलर देख सकते हैं. यहाँ पे पार्ट्स ऑफ आई लिखे हुए हैं. दे आर वेरी फ्यू और राइट जस्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रेड बट वी विल सी एंड वी विल लर्न रेस्ट ऑफ द पार्ट्स एज वेल. राइट आई होप यू इंजॉय लिसनिंग एंड लर्निंग अबाउट योर आई. और राइट सो लेट बिगेन विद सम पार्ट्स. Here you can see cornea, lens, iris, retina and optic nerve. Alright, so I will show you the rest of the function of your eye through a video. Before we look into the video, I want to show you another picture of your eye. So that will help you, that will remind you and that will help you what has been describing in that video as well. So here you can see the actual picture of your eye. How does it look like from the inside, from the side view? If you can see, it has many parts in this picture. When you will grow up and you will promote to the another grade, then you will gradually learn about the eyes. All right, so if you can see, here are iris, lens, interior chamber, posterior chamber, cornea, and many other things. So let's go to the video and we'll see what and how your eye works actually. All right. So look, ये हमारी आँख है. अब अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो कैसे दिखेगी? वो इस तरह से एक बॉल की शक्ल में आपको दिखेगी, ठीक है, इस तरह से. और अगर हम उसको और थोड़ा करीब से देखें साइड व्यू से तो वो इस तरह से दिखेगी, ठीक है. जो सेंटर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है, ये होता है कॉर्निया, ठीक है. इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया. और ये हमारा एक बॉल की शक्ल में नज़र आता है, ठीक है. इस वाले हिस्से को जो हमारा कलर पिगमेंट कहते हैं, इसको कहते हैं हम आयरिस कहते हैं. क्या कहते हैं? आयरिस. आयरिस का जो कलर है, जिसको हम नॉर्मली लोगों को से पहचानते हैं या बताते हैं कि ही और शी हैज़ अ ग्रीन और ब्लू कलर आइज, सो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे इसके पीछे पिगमेंट होता है. जैसे ही रेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, उस पर जो भी कलर होता है, लेट्स सपोज ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसमें से ग्रीन कलर को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो इससे पता चलता है कि आपकी आईज़ का कलर क्या है. बहुत सारे लोगों की आईज़ नॉर्मली जो है, मेजॉरिटी लोगों की आईज़ होती है ब्राउन या ब्लैक कलर की. लेट्स सपोज नॉर्मली आईज़ कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर की. अगर आप देखें तो इसका पिगमेंट कौन से कलर का है? ब्राउन कलर का. तो इसलिए हमें इसकी आँखों का कलर ब्राउन दिखता है, ठीक है. गौर से देखिए, सेंटर ऑफ द आई हमारे पास होते हैं, हमारी आईज़ के सेंटर में अच्छा होता है, इसको कहते हैं प्यूपल. क्या कहते हैं? प्यूपल कहते हैं. ये जो है, इससे लाइट जो है आपके पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, ये टिश्यूज़ में आपकी लाइट जाती हैं. अगर तो देखा जाए तो इस आयरिस को जो है हमें कर्टन की तरह भी कंसीडर किया जाता है. देखिए, पीछे की तरफ ये लाइट जाती है. अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में लाइट अंदर चली जाएगी तो इससे क्या होगा कि हमारे टिश्यूज़ अंदर से बैंड हो जाएंगे. तो क्या होता है, समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो आयरस ही कर्टन का काम करता है. तो आयरस क्या करता है कि जो है प्यूपल को जो है आयरस कवर कर देता है. अगर मैं आपको इस पिक्चर में दोबारा दिखाऊं तो देखिएगा, अब जो है जितनी ज़्यादा रोशनी, अगर बहुत ज़्यादा रोशनी अंदर चली जाएगी तो जो है हमारा प्यूपल जो है वो अंदर से डैमेज कर देगा. अब देखिए इसमें, अब इसको छोटा हो जाता है. कैसे छोटा हो जाएगा? अगर दिन की रोशनी में, अगर आप कभी अपने आप को शीशे में भी देखें, अंधेरे में शीशे में देखें और अचानक से लाइट खोलेंगे तो आपका जो प्यूपल है वो जब अंधेरा होगा तो वो बड़ा साइज़ में हो जाएगा. लेकिन अगर अंधेरे में जो है बड़ा साइज़ हो जाएगा, अगर सनलाइट होगी तो जो है वो इसका साइज़ क्या हो जाएगा?
छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मकदार में क्वान्टिटी में रोशनी अंदर चली गई तो उससे क्या होगा, हमारे आई सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो आयरिस जो है वो एक कर्टन की तरह हमारे हमारी आईज़ में काम करता है, ताकि जो है हमारे सेल्स अंदर से ख़राब ना हो। लेट्स सपोज अगर इस तरह से, मैं आपको एक वीडियो में भी शेयर करती हूँ कि देखिए इसमें आप देखिए ये छोटे बड़े हो रहे हैं, इज़न इट अमेजिंग। अंधेरे में अगर देखें तो ये बड़ा है, और जैसे ही लाइट खुलती है तो ये प्यूपा जो है, आयरिस जो है, वो उसको छोटा कर देता है। सो अब मैं ये जो है, इसके बाद अब हम आपको बाकी पार्ट्स ऑफ आईज दिखाते हैं। ये हमारा जो है पार्ट आयरिस, ये क्या है हमारे पास, ये हमारा लेंस है, हमारा आई लेंस है, जिसके ऊपर क्या कवर हुआ हुआ है, आयरिस से कवर हुआ हुआ है और कॉर्निया से कवर हुआ हुआ है, इसको कहते हैं हम लेंस। ठीक है, लेंस क्या करता है, हमारे आँखों की जो भी चीज़ हम देखते हैं उसकी पिक्चर लेके रेटिना को फॉरवर्ड करता है, और फिर वो हमारे ऑप्टिक्स वेन से जाकर हमारे ब्रेन को जाती है, ये कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया जो है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो हमारा हल्का सा, हमने देखो वो वाटरी वाटरी होता है हमारे आईज़ के ऊपर, सो दैट इज़ कॉल्ड हमारे जो, मतलब पानी जैसा ही होता है, जब भी हम कपाल लगाते हैं तो वो हमेशा गीला गीला होता है, एक्वियस ह्यूमस भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एक्वियस ह्यूमस। ये बहुत सारे पार्ट्स हैं, इट्स नॉट अबाउट टू लर्न, आपको लर्न नहीं करने, पर एटलीस्ट यू नो अबाउट इट, इट इज़ सच अ गुड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो दैट आई हैव फाउंड। ठीक है, तो ये लेंस जो है, अब जो इसका काम क्या होता है, लेट्स रीड अबाउट इट। यहाँ से जो है ये कॉर्निया जो है हमारे इस ये वॉटरी हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है लेंस जो है सारी पिक्चर्स लेके हमारे रेटिना जो है हमारे बॉडी में आईज में सेल्स होते हैं, अभी आप देखिएगा यहाँ पर रेटिना की लाइंस में अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ से जो है पूरी पिक्चर लेके जो है एक पिक्चर लेके हमारे आईज के पीछे शेयर करती है। अब देखिए रेटिना, रेटिना जो है ये एक्टिव हो जाते हैं सेल्स, जब हमारी आईज कोई भी पिक्चर या कुछ भी चीज़ को देखती है तो ये एक्टिव होकर जो है ये पिक्चर रेडी कर लेती है, और फिर यहाँ पे ऑक्टेव वेन के थ्रू ये हमारे ब्रेन को शेयर करती है। अगर पिक्चर क्लियर ना हो तो ये धुंधली ब्लर पिक्चर शेयर करेगी, अंडरस्टूड। तो हमारे बॉडी में अगर देखा जाए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आवर बॉडी इज़ वर्क लाइक अ मशीन, हमारा बॉडी एक मशीन से, आई डोंट थिंक इज़ वर्क लाइक अ मशीन, आई कैन कॉल इट परफेक्ट मशीन, इफ़ यू कैन सी हाउ क्विकली एंड हैव मैनी मैसेजेस योर बॉडी पार्ट सेंड टू योर ब्रेन, इट्स एन मार्वेलस क्रिएशन, व्हाट डू यू से। Now this is called optic nerves that sends all the pictures to your brain. Alright, so I hope you have understood the eye very well. Alright, our next topic is the ear. But I hope you have understood all the part of your eyes very well. Alright, and the functions as well.